¡Vaya, Chicago! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 24 में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां अभी मतगणना हो रही थी, मध्यवर्ती चुनाव की मतगणना हो रही थी, जिसमें रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से विजय हासिल की है। हमारे साथ खड़े हैं ये विजेता प्रत्याशी, हम इनसे ही जानते हैं ये चुनाव आपके लिए कितना भारी पड़ा। चुनाव तो प्राय हमेशा भारी रहते हैं, उनको कभी कोई हल्का नहीं ले सकते हैं। चुनाव बहुत भारी था और चुनाव सबने अच्छे से लड़ा, पार्टी संगठन ने हमारा बहुत सहयोग किया। आदरणीय ये चुनाव जो हम जीत के आए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आदरणीय संजय सिंह संजू को वार्ड द्वारा दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है, और हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला नेतृत्व मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा जो बाढ़ के लोगों से निवेदन किया गया था, उसको बाढ़ की जनता जनार्दन ने भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। ये अभी जो इस चुनाव के दौरान, चुनावी माहौल के दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, ऐसा लग रहा था कि जैसे विधानसभा का चुनाव, आपके वार्ड में कई विवादित बयान भी हुए, यहाँ तक कि कल एक ऐसा एक्सीडेंट भी हुआ, तो क्या मानते इतने गहमी गहमी के बीच ये चुनाव संपन्न होना था? देखो, गहमा गहमी कुछ लोग नैसर्गिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ही होती है चुनाव में। बाकी हम लोग एक परिवार की तरह लड़े, आदरणीय एक परिवार का चुनाव था। हमारे बड़े भाई आदरणीय अरुण तिवारी मुन्नू भैया, हम बचपन से सब साथी हैं, और जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बेटू भैया अमित तिवारी बेटू भैया, सब थे। कुछ नैसर्गिक प्रवृत्ति के लोग जिनकी मानसिकता ही हमेशा उठपटांग करने की रहती है, वही पूरे तालाब को गंदा करते हैं, और उनका नाम नहीं लेना चाहते हम कि वो रीवा वार्ड क्रमांक 5 को किस गंदगी तक ले गए हैं। पर हमारे पास ऐसे स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी और जिला अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी जैसे लोग थे जो उस गंदगी को साफ कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री कई बार आपके वार्ड में गए, जनार्दन मिश्र जी जो सांसद हैं वो भी कई बार आपके वार्ड में गए, आपको जिताने के लिए हर तरह प्रयास किया गया। अब वार्ड के लिए आपकी क्या जवाबदारी रहेगी, क्या आगे? पहले तो आपसे बता दें कि हमारे नेता जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री, वो प्रदेश के लिए हैं, ये उनका विधानसभा है, वो यहाँ के विधायक हैं, और वो अपने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तटस्थ रहते हैं, जिनसे कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन ना होने पाए। जब हमारे आदरणीय ऐसे नेता हमारे साथ हैं, तो हम लोग को मोरल डाउन होने की आवश्यकता ही नहीं थी। और रही वार्ड की प्राथमिकता, तो हमारे जब मार्गदर्शक आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जिस तरह का वो शहर का विकास कर रहे हैं, हम उनसे प्रेरणा लेकर उसी तरह का वार्ड का विकास करेंगे। आपके पीछे आपके ही भारतीय जनता पार्टी के एक जो वहां से विद्रोह करके अरुण तिवारी जी आए थे, वो भी चुनाव, कितना डर था आपको इस चुनाव में उनको लेके? नहीं, उनको लेके डर नहीं था, अपने हम अपनी जीत के लिए प्रयास कर रहे थे, अपनी जीत के लिए प्रयास कर रहे थे, और जो तो जनता को आशीर्वाद देना था, जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, लगभग 50% ऊपर हमें जनता का आशीर्वाद मिला। भाजपा का कुछ आशीर्वाद अरुण तिवारी जी को भी मिला, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर रहे, और कांग्रेस की यह स्थिति मतलब बिल्कुल तीसरे नंबर पे और 550-550 के वोट में सीमित हो गए, तो क्या मानते कांग्रेस की यह स्थिति कैसे हुई? वो आपने कहा जो भाजपा का आशीर्वाद मिला, भाजपा का आशीर्वाद नहीं मिला उनको, कांग्रेस का आशीर्वाद उनको मिला, क्योंकि उन्होंने भाजपा की काफी समय तक सेवा की है, तो लोगों की भावना क्या उनसे? हाँ, लोगों की भावनाएं
लोगों की भावनाएं क्या थी, वो उनके विचारधारा है, क्योंकि मेरे साथ तो सभी खड़े थे, पार्टी खड़ी थी, संगठन खड़े थे, प्रदेश के हमारे नेता मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, वेंकटेश पांडे जी, जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी, केपी, हमारे साथ सब खड़े थे। उनके साथ कौन खड़ा था, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। चलिए अभी यहाँ, अभी जो पूरे आपके वहाँ वार्ड में कितने वोट पड़े थे आपको, कितने वोट? 3291 वोट पड़े थे, 1681 वोट हमें मिले, 1036 वोट आदरणीय अरुण प्यारी मुन्नी जी को मिले, 543 वोट लगभग अमित द्विवेदी बेटी जी को मिले। मानते हैं ये कि प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की और आपकी? ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत। अब क्या रहेगा आपका, मतलब आगे का क्या मोटिव रहेगा, क्या विकास कार्य होंगे? हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक जो हमें राय देंगे, जो वार्ड की मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ण करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी, विजेता प्रत्याशी राजीव शर्मा जी, जिन्होंने अपने वार्ड में प्रचंड जीत हासिल की है। यहाँ कांग्रेस एक बार फिर दुर्गति में जा चुकी है, उस वार्ड में कांग्रेस मात्र 543 वोट में सीमित रहकर रह गई है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी राजीव शर्मा जी को 1681 वोट मिले हैं, कुल 3291 वोट यहाँ पड़े थे, जिसमें से दूसरे नंबर पर 1036 वोट पाकर अरुण तिवारी रहे हैं, जो काफी समय तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और इस चुनाव मैदान में वो विद्रोह करके उतरे थे, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। तो तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान, इसी तरह सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए तेज खबर 24 में। नमस्कार।